एक्सरसाइज 8.4 सिद्ध कीजिए 1 प्लस से के अपान से के साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस से। हम लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं 1 प्लस से के अपान से के है, तो हम सीकेंड को कॉस में बदल देंगे 1 अपान कॉस है अपान 1 अपान कॉस है। तो ऊपर एलसीएम कॉस है लेंगे तो हो जाएगा कॉस है प्लस 1 अपान 1 अपान कॉस है तो आया 1 प्लस कॉस है, जबकि हमको लाना है साइन स्क्वायर है अपान 1 माइनस कॉस है। तो जाहिर सी बात है साइन स्क्वायर लाना है तो 1 माइनस कॉस है का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपान 1 माइनस कॉस है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर है अपान 1 माइनस कॉस है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पर 2e देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉस ए के प्लस कॉट ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, थोड़ा इसको इस तरीके से लिख लीजिए कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, यहां कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए। अभी हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉस ए माइनस 1 माइनस साइन ए है तो हम कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का न्यूमरेटर में और कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब ऊपर देखिए ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान समझिएगा। अब ऊपर एक प्रकार देखिए आप a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो जिसको हम लोग या ऐसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस, बच्चों देखिए 2ab यानी 2 कॉस ए प्लस 2bc माइनस 2 साइन ए, माइनस हो जाएगा 2 साइन ए, और 2ca माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपान कॉस स्क्वायर ए, इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। अब देखिए बच्चों एक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब यानी कि हमको लाना क्या है कॉस ए के प्लस कॉट ए, अगर इसको तोड़िए तो होगा 1 अपान साइन ए, कॉट ए को कॉस ए अपान साइन ए। हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर देंगे, 1 से 1 कट भी जाएगा और गुणन खंड, तो 2 प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 2 साइन ए माइनस 2 साइन को, तो दो अंश में कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, नीचे 2 कॉमन ले लीजिए साइन ए माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां देखिए इन दोनों में, यहां देखिए 1 कॉमन हो जाएगा यहां साइन ए, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए, और माइनस साइन ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए, नीचे साइन ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन ए,
हो जाएगा वन प्लस कॉस ए वन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए वन माइनस साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग करेंगे वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, वन अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और लगा सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा छोटा तरीका है लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको, कैसे दिमाग में आएगा कि यही तरीका करना है। देखिए हमको कॉस ए के कॉट में लाना है, अगर हम साइन ए का डिवाइड कर दें कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो जाएगा, साइन ए में साइन ए का डिवाइड वन हो जाएगा, वन में साइन ए का डिवाइड होगा कॉस ए के। बहुत अच्छा सवाल है, आप उसी से लगाइएगा लेकिन ये भी तरीका आप अच्छा समझ सकते हैं। नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के। अब आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से लिख देना है कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के। अब चूंकि अंश में कॉस ए के प्लस कॉट ए लाना है तो आप वन को लिख देंगे, कॉस ए कॉट में वन का कौन फार्मूला होता है सबको याद होगा, वन का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीका, कभी कभी कॉसेक ए माइनस कॉट ए वन अपॉन के रूप में रहता है तभी से वन को लिखते कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, अगर वन अपॉन कॉसेक माइनस कॉट ए होता या अप्रूव करके कॉसेक माइनस कॉट ए का आंसर में गुणा कर देते। ये तरीका समझिए बहुत बेहतरीन तरीका है, पहले फिर समझिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, हमने क्या लिख दिया कॉस साइन ए का डिवाइड कर दिया क्योंकि कॉट में लाना था, कॉस में साइन का डिवाइड हुआ कॉट ए, साइन ए में साइन ए का डिवाइड हुआ वन, वन में साइन ए का डिवाइड हुआ कॉस ए के, कॉस ए में साइन का डिवाइड हुआ कॉट ए, साइन ए में साइन ए का डिवाइड हुआ वन, वन में साइन ए का डिवाइड कॉस ए के, फिर हमने इसको पहले लिख दिया कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस वन, फिर वन का हमने फार्मूला लगाया कॉस ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल बनेगा, कॉस ए के प्लस कॉट ए, यहां इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए के माइनस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए के प्लस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी अपान कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए। ज्यादातर बच्चे उस तरीके से लगाते हैं, सरल भी तरीका वो है लेकिन इसमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा जरूर। कॉस ए के प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे, कॉस ए के प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या वन यहां बचेगा और यहां माइनस कॉस ए के और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब देखिए हर में यही है बच्चों, हर में यही देखिए कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के, देखिए वही है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका जवाब आएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये भी तरीका बच्चे लगाते हैं, अच्छा तरीका ये भी है, प्रैक्टिस आपको बार बार वीडियो देखकर रिपीट कर करके करिए जिससे सूत्र सब दिमाग में एकदम सेट हो जाए।